والسماء कराम, ये जो आयत मैंने अभी तिलावत की है सूरह बनी इसराइल की 53वीं आयत है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हम लोगों को बेहतरीन जिंदगी गुजारने का एक अक्सर नुस्खा बयान करते हैं जिससे हमारी घरेलू जिंदगी माशरती जिंदगी बहुत कामयाब पुरसकून और खुशहाल गुजर सकती है। अब इस आयत का मफहूम देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो खुद ले इबादी, आप मेरे बंदों को बतला दीजिए, मेरे बंदों से ये कह दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खूनू अल्लती ही अहसना, जब कोई बात करते ही जुबान से कोई कलमात निकालते ही तो वो बेहतरीन अंदाज में बहुत अच्छी बातें अपनी जुबान से निकालें। क्या मसले है थे इसकी, क्यों अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया? बाद में अल्लाह ताला वजाहत फरमाते हैं कि इन शैतान यंज़ु बैनहुम, क्योंकि शैतान हमेशा ताक में रहता है कि तुम लोगों के दरमियान आपस में फिसाद डाले, फूट डाले। और फिर आगे आयत के हिस्से में बताया गया इन शैतान अली इंसानी अदुवुन मुबीन, क्योंकि शैतान इंसान का हमेशा हमेशा का दुश्मन है, इसलिए आप जो भी बात करते हैं वो अच्छी बात अपनी ज़ुबान से निकालें। अब आप लोग खुद माशाल्लाह से अपने मुशाहदे में देखते होंगे कि थोड़ी सी बात, मामूली सी बात बड़ा बतंगड़ बन जाती है। मिसाल के तौर पर चलते चलते आपकी गाड़ी को कुछ हो जाए या चलते चलते किसी का पैर आपको लग जाए या किसी से कुछ गलती हो जाए, तो आजकल के माहौल के अंदर आप देखते हैं क्यों भाई दिख रहा नहीं, मैं साइड पर छू ना, आप इधर से आ गए उधर से आ गए, खामखा की ये बातें जो है शैतान जो है उसको और बड़ी बनाता, उसके बाद में फिर तू तू मई मई वो जाके जो है एक फिसाद और एक झगड़े की नौबत आ जाती है। इस तरीके से घरों के अंदर अपनी ख़वातीन छोटी छोटी सी बातों को, जिसमें गीबत भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है, तोहमत भी हो सकती है, खुद आराई भी हो सकती है, ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी तो बात करो बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में गुफ्तगु करो, क्योंकि शैतान बैठा हुआ है जो आप लोगों के दिलों में फिसाद डालने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला हम सबको शैतानी इन हरबों से महफूज रखे और हमारी ज़िंदगी को खूब से खूब तब बनाए। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक बार शिनासी की 1099वीं नशिस्त मुनाकिद हो रही है जो जामिया मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में कॉन्फ्रेंस हॉल में बाद नमाज असर मुनाकिद हो रही है।
आज 28 सितंबर है और उसको मुखातिब करने वाले ही हमारे जाने पहचाने शख्सियत डॉक्टर नाज़िम अली साहब। ये मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ भी हैं और बड़ा गहरा अदब से आपका ताल्लुक है और वो मुखातिब फरमा रही हैं। आज इकबाल की एक नज़म जवाबी शिकवा, मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नाज़िम अली साहब से कि वो आए और हमें जवाबी शिकवे से वाकिफ पूरा पूरा करवाएं। जनाब गुलाम मिर्ज़ानी साहब सीनियर एडवोकेट और महफिल अखबार शनासी के सदर, जनाब अज़मतुल्लाह साहब, शमसुद्दीन साहब और हाज़रीन इकराम, अभी शमसुद्दीन साहब ने जिस आयत की तशरीह की है उसमें एक अहम नुक्ते की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि अपनी ज़बान, अपनी गुफ्तगू को ख्वाबों में रखकर अदा करना चाहिए। इसी को इकबाल ने कहा, नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिलो पाक बाज। इकबाल कहते हैं कि गुफ्तगू बड़ी नरम होना चाहिए। यकीनन कैसे कि उन्होंने वाकयात भी सुना है, तो एक औरत शायर है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात अतरे गुलाब होती है, बात खंजर की काट होती है, बात तहक़ हिताब होती है, बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए। तो इस तरह, हाँ सुलेमान खतीब, तो इस तरह से ये बात का जो पहलू है, गुफ्तगू का जो पहलू है, इस्लाम भी यही कहता है कि गुफ्तगू जब करते हैं तो उसके आदाब के तहत करना चाहिए, उसके अखलाकियात भी होती है गुफ्तगू। तो बहरहाल अब क्योंकि मेरा मौजू है जवाबी शिकवा का एक जायज़ा, इससे पहले कबल हमने शिकवे के बारे में पढ़ा था, इकबाल ने शिकवा इस नज़्म लिखकर उन्होंने अल्लाह से बहुत से सवालात उन अल्लाह के सामने उन्होंने रख दिए हैं और बहुत से शिकवे शिकायत भी किए हैं शिकवे में। ये शिकवा जो नज़्म है ये 1911 में लिखी गई है और ये बांगे दरा में उनके मजमू में शामिल है ये नज़्म। और उसके दो साल के बाद जवाब शिकवा यानी 1913 में इन्होंने नज़्म लिखी है। अब आप देखिए ये जवाब शिकवा जो है उसी का तसलसल तवातुर है शिकवे का। अब जितने सवाल उन्होंने वहाँ खड़े कर दिए हैं इकबाल ने, अब अल्लाह मियाँ की ज़बान से जवाब शिकवे में वो जवाब उन्होंने हासिल किया है उन सवाल का, खुद इकबाल अपनी ज़बान में भी वहाँ जो क्या है जवाब दे रहे हैं। तो अब मकसद ये है कि भाई शिकवा किन हालात में किन मजबूरियों के तहत उन्होंने किया है। हालांकि जब शिकवा उन्होंने नज़म लिखी तो काफिर का फतवा भी लोगों ने ये जारी कर दिया था, मुल्हिद इल्हाद के ऐसे जो से तनाज़ भी हो गए थे इकबाल के दौर में जो वो नज़म लिखी उन्होंने। यकीनन हर हाल में बंदे को खुश रहना चाहिए, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ है, वो कारसाज है, वो अल्लाह ही सब चीज़ें बनाता है, सब मुखदरा संवारता है अल्लाह ने। तो इकबाल के ऊपर इतराज़ उस जमाने में हुए हैं, लेकिन जब इकबाल ने जवाब शिकवा लिखी तब लोग ठंडे पड़ गए, अरे भाई ये सही था। क्या था कि इकबाल ने शिकवे में जो इनतार, जो पस्ती मुसलमानों की, जो गिरावट हर लिहाज से आ गई थी, तो इकबाल बेचैन हो गए थे, इसलिए वो नज़म उन्होंने लिख दिया है, अय अल्लाह हम तेरे गुन गाते हैं और तेरे काबे से लाख मुराद को हम निकाले हैं और वहाँ जो हम सजदे अदा कर रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन तेरी रहमत ये गैरों की काशियानों पे नाजिल हो रही है, आखिर ये क्या बात है, ये शिकवा। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा मुदलील जवाब जवाब शिकवा में इकबाल ने पेश किया है कि ये जो नज़में हैं इसके अशार आज भी मुफ्ती, उल्मा, सियासतदान, मुफक्किरीन, दानिश्वर
इस्तीफा करते हैं इस नफ़ शिकवा जवाब शिकवा अशार से। और फिर इकबाल और बहुत सी बातें करते हैं इकबाल कि ऐसे ऐसे अशार जवाब शिकवा इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि ये देखिए, ये दोनों नज़में इकबाल की शायरी के इब्तदाई दौर की नज़में हैं और उनका मौजू मुसलमानों की पस्ती और मुसलमानों की गुज़िश्ता अज़मत और रोशन आयाम की तस्वीर कशी की है। माजी में मुसलमान कैसे थे, मुसलमानों का दबदबा कैसा था, मुसलमानों की कहाँ तक हुकूमतें थीं, सल्तनतें थीं, कैसा उनका जो सो रूपदाब था, है ना। दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो किस तरह से इकबाल ने उस पूरी तस्वीर कशी उन्होंने की है कि माजी में क्या थे, अब क्या हो गए। हाल ही ने अपने मुसद्दस में इसी मौजू को उन्होंने पेश किया है, हाल ही ने पेश किया है, तो हाल ही का तत्वो तखलीक इकबाल ने भी की है और वही अंदाज जवाब शिकवा में उन्होंने पेश किया। तो हाल ही भी वही कहते हैं मुसद्दस में कि मुसलमानों की शान और शौकत, मुसलमानों की तरक्की पूरे आलम में, पूरे कायन में मुसलमान किस तरह से जो है क्या है मुख्तलिफ सल्तनतें हुकूमतें और तस्खीर कायनात का जज्बा किस तरह था माजी में मुसलमानों में। लेकिन आखिरी में ऐसा एकदम जवाल आया, इनका आया कि मुस्लिम ममलिकतें मुस्लिम हुकूमतें समेट के सऊदी अरब तक महदूद हो गई। इस एहसास को इकबाल ने पेश किया है कि भाई हम क्या थे, हम क्या हैं। फिर इकबाल फिर सवाल करते हैं अल्लाह से जवाब शिकवा में कि यकीनन हमारी भी गलती है। आज आप मुसलमानों के माशरे का और मुसलमानों के रोज़ शब का जायज़ा ले लीजिए आप, हम क्या कर रहे हैं। हम ये शिकवा करते हैं कि भाई अल्लाह हम सब कुछ कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हाँ पंच वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पस्ती का शिकार हैं, इन्हेताद का शिकार हैं। हम जो से क्या है, हमें हर लिहाज से, माशी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, हाँ तहजीबी लिहाज से, सामाजिक लिहाज से गिरावट आ गई हमारे में। आखिर क्या बात है, हाँ सब कुछ कर रहे हैं, हुकूल इबाद बंदगी अदा कर रहे हैं, हाँ पूरी क्या है तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम फिर अल्लाह मियाँ जवाब देते हैं जवाब शिकवा में इकबाल की जबान से कि क्या तुम मुसलमान हो। हम अपनी गिरा में छक के देखना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए हमें अपना आज क्या हाल है। शायद इकबाल के दौर में वही हालात थे। आज फजर की नमाज में देखिए मस्जिद में एक सफ, दो सफ, डेढ़ सफ, उससे आगे नहीं बढ़ रही। देखो मोमिन का खौलो फेल तजा देखिए और फिर दीगर जो चीजों में रियाकारी आम हो गई, शिर्क आम हो गया है, फैक्ट है, रिस्पेक्ट क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या पूरे इस्लामी अहकाम कुरान के अहकाम। इकबाल कदम कदम पे कुरानी तालीमात, हज़रत सल्लम की तालीमात का एहसास मोमिन को दिलाते हैं, यहां तक के जब उनकी बेटी मुनीरा जब दो चोटियां डालती हैं तो इकबाल कहते हैं बेटे ये यहूदियों का तरीका है एक चोटी डालना, इस्लाम में भी इकबाल कहते हैं अपनी बच्ची की तरबियत करते हैं। फिर उनके अशार में खत्म खत्म पे इस्लामी तालीमात का शऊर, इस्लामी तालीमात की तरकीब हमें मिलती है। जब वो बाहर जाते हैं तो उनके बच्चे उनसे फरमाइश करते हैं, जब लंदन जाते हैं तो अब्बा जान हमारे लिए कुछ तोहफा लाइए, आप सफर पे जा रहे हैं, है ना, बच्चे कहते हैं माँ बाप से। तो इकबाल उस जमाने में ग्रामफोन या कुछ ऐसे खिलौने थे, जाहिर है इकबाल ने अपने खत में जवाब देते हैं कि मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो इस तरह से ऐसे ऐसे तसव्वुरात इकबाल की शायरी से हमें मिल रहे हैं। और कुरान के बारे में भी इकबाल ने कहा, आपने बेटे से कहा जावेद इकबाल से, बेटे कुरान ऐसा पढ़ो जैसा कि वो तुम पर उतर रहा है, नाजिल हो रहा है।
तो ऐसी ऐसी बातें हमारे कि पूरे ख़त्म ख़त्म पे ख़ानदान में भी अमली तरबियत शायरी के ज़रिए से कौम की, मिल्लत की, मुल्क की वो तरबियत करना चाहते हैं इकबाल। तो इस तरह से इकबाल के इस नज़म में अब आप देखिए कि कहते हैं कि मुसलमानों के गुज़िश्ता अज़मत और रोशन आयाम की तस्वीर कशी की गई थी शिकवे में, हम ऐसा करें, हम ऐसा हुए, हम इतनी खिदमत करें तेरी और तेरे मसाजिद को आबाद करें, तेरे काबे को आबाद करें, नमाजें पढ़ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं बेहिसाब, और फिर उसके बाद इन अजबाब और पर रोशनी डाली गई है जो बिलाखिर बहसे कौम दुनिया में मुसलमानों की ज़ात और हुकूमत पर मुतमईन होते हैं, बल्कि खुदा ने यह भी वाजे कर दिया है कि किन अमल की बिना पर मुसलमान दुनिया में दोबारा अपना खोया हुआ वखार और अजमत हासिल कर सकते हैं। यह जवाब शिकवा में वही बात है अल्लाह की तरफ से इकबाल की जबान में, क्या तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ, फिर कुरान की तालीमात पे अमल करो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनकी ज़िंदगी अस्वे हुस्ना बना लो, यही बात है। और फिर वो कहते हैं आज भी हो इब्राहिम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग है औलाद इब्राहिम है और नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। आज इब्राहिम का सा ईमा उस जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कैफियत थी, खुदा से जो लगाव था, हाँ खुदा के हुक्म से आग गुलजार बन गई, कैसे मौजूदात थे, ऐसा हो सकता है आज भी मुसलमान पूरे इस्लाम के अहकाम पर अमल पैरा हो जाए, उसके आमिल बन जाए, इस्लामी उसूलों के, इस्लामी तकाजों के, इस्लामी तालीमात के। वही कहते हैं और खुदा ने जवाबी शुक्र में मेडिवल पीरियड के मुसलमानों के जो खवाइज गिनवाए हैं उनको अपना कर मुसलमान दोबारा इज्जत और सरबुलंदी हासिल कर सकते हैं। दौरे वस्ता खुरून औला उला उस जमाने में ये बनू उमैया, बनू अब्बासिया, फिर उसके बाद नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अयूबी और हज़रत उमर के दौर, ये दौर में इस्लाम बहुत तरक्की कर गया था। हज़रत उमर के दौर तक तो इस्लाम पूरा नामीबिया साउथ अफ्रीका तक फैल गया था, हज़रत उमर के दौर तक। तो वो तरक्कियों का यह मिसाल देते हैं कि भाई माजी के तुम्हारे जो असलाफ थे किस तरह से उन्होंने इस्लाम को सरबुलंद किया, किस तरह से वो उनमें तस्खीर कायनात का जज्बा, कायनात को मुसखर करना, ये मोमिन की फितरत में तबीयत में सलाहियतें अल्लाह ने वदियत फरमा दी। खोल आँख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हैं तेरे तसरफ में ये बादल ये घटाएं, हैं तेरे तसरफ में। मोमिन सलाहियत वाला होता है, काबिलियत वाला होता है, बशर्ते कि तालीम और तरबियत हासिल करे। तो इकबाल ने देखो ऐसे अशार में खोल आँख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, ये सूरज का जो एहसास है ये आपको मालूम है, आप हम सब लोग अगर फजर में उठते हैं तो आपको हमको विटामिन डी सूरज से मिलते हैं सुबह 7 बजे, गुलाम यजानी साहब जानते हैं अच्छी तरह, सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं उसमें विटामिन डी मिलते हैं आपको। अब जो 10 बजे तक 12 बजे तक सोते रहेंगे, विटामिन डी जो फ्री मिल रहे हैं आपको उससे हम महरूम है पूरी तकरीबन लोग जो सुबह सहरखेज नहीं है। तो कैसी किसी चीज़ अल्लाह ने रखी है भाई मेरे बात मेरे भाई फितरत में कुदरती अनासिर में, हैं तेरे तसरफ में ये बादल ये घटाएं, ये बादल ये घटाएं, सिर्फ इंसान के तसरफ में अल्लाह ने इनके लिए पैदा किए, बिजली पैदा करना, पावर पैदा करना है ना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, ये तमाम कुदरती ये अनासिर को हासिल करके लोग पैदा कर रहे हैं आज। तो इस तरह से खोया हुआ जो मुकाम है बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं इकबाल अल्लामिया की जबान से, क्यों वो लोग ऐसे थे, तुम लोग ऐसे क्यों हो, वो लोग पूरी दुनिया पे तस्खीर हुकूमत करते थे, हाँ राकिब थे वो लोग पूरी दुनिया के, कोकब थे वो लोग दुनिया के, हाँ दुनिया के सवार थे वो लोग, दुनिया पे पूरी हुकूमत करते थे वो लोग, पूरी कायनात उनके जरिए लगी थी, फिर तुम क्यों ऐसे क्यों, माजी के मिसाल दे रहे हैं अल्लाह मियाँ की जबान से इकबाल। और
मुसलमान दोबारा इज्जत और सरबुलंदी हासिल कर सकते हैं कब? इस्लाम का दामन थाम ले, इस्लामी तालीमात पे, इस्लामी तकाजों पे, इस्लामी खतरों पे अमल पैरा हो जाए। लेकिन आज हम जायजा लें, आज हम बहुत से लोग कहते हैं हर मोमिन है, मुसलमान है, ये अल्लाह मियाँ क्या तुम देख रहे हैं अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है, कैसा जुल्म ढाया जा रहा है, हाँ जीते जीते पीट पीट कर खत्म कर दिया जा रहा है हमारे को, अल्लाह दुआएं कर रहे हैं लोग दुआओं में, अरे अल्लाह उसका बदला दे, अल्लाह जालिम को खत्म कर दिया, अल्लाह कैसे कैसे हालात रुनुमा हो रहे हैं अपने माहौल में आप देख रहे हैं आप। और अल्लामा इकबाल फिर कहते हैं कि ये नज़म दरअसल शिकवे का इख्तिताम है, तमत एंड, जवाब शिकवा, शिकवे का जवाब देते रहे आप। इकबाल ने शिकवे में जो कुछ कहा है जवाब शिकवे में उसका हर्फ ब हर्फ जवाब दिया गया, इसलिए दोनों को साथ पढ़ा जाए तभी मफहूम वाज़ेह होता है, कंटिन्यूएशन, क्योंकि मैं शिकवे पे लेक्चर देके तकरीबन एक महीने का अरसा हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें उसमें बयान की गई, सवालात का एक पुलंदा इकबाल ने खड़ा कर दिया उसमें शिकवे में, और उसका जवाब पॉइंट टू पॉइंट, देखो ये नज़म की खास खूबी है, पॉइंट टू पॉइंट मुसद्दस के फॉर्म में तरकीबबंद में उन्होंने क्या है वो जवाब पूरा जिसके पेश कर दिया है। और इसलिए कि लुत्फ उठाया जा सकता है, नज़म शिकवे में इन मुश्किलात और मसाइब का जिक्र किया गया जो मुसलमानों ने खुदा के पैगाम को दुनिया के दूर दराज गोशों तक पहुंचाने में बर्दाश्त की, इसके बाद खुदा से गिला है कि तूने इन खिदमात का कोई सिला नहीं दिया। फिर आए इकबाल कहते हैं तूने हमारी जो खिदमात है उसका सिला तूने नहीं दिया ऐ अल्लाह, और तेरी रहमत अगयारों पे है, दीगर लोगों पे है, हम पे तेरी रहमत नाजिल नहीं हो रही, बरकत नाजिल नहीं हो रही मेरे अल्लाह, और हमारे हिस्से में नहीं आ रही, और मुसलमानों पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, और तू देख रहा है इकबाल यहां तक कह गुजरते हैं कि बात कहने की नहीं तो फिर तू हट जाइए। अब यहां तक इकबाल अपने पूरे क्या कहेंगे जज्बात से एक मुबर्रा हो गए थे, और फिर उसके बाद इस दर्द में बड़ी चेवैया हुई, इकबाल पर शान खुदाबंदी में गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया, उस दौर में बहुत लान तान हुई, बहुत तनाजा चले, और यहाँ तक के फतवे भी दिए गए इकबाल पे। इकबाल के दो साल के बाद इकबाल ने जेर तजिया नज्म जवाब शोबे लिखे तो ये आग ज़रा ठंडी हो गई, मुखालिफतें कम हो गई, और क्या लिखा उन्होंने, क्या तुम हकीकत में मुसलमान हो, है ना वो शेर कि सैयद भी हो अकबाल भी हो, क्या तुम मुसलमान भी हो, आप एहतसाब करना हम अपना, हमारा अमल क्या है, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार हैं, रोज़मर्रा के हमारे आमाल क्या हैं, क्या आमाले सालेहा क्या गुजर रहे हैं हमारे से, सरसद हो रहे हैं, इस चीज़ पे गौर करने की ताकीद की अकबर ने, अरे क्या तुम मुसलमान भी हो। और फिर कहते हैं इस नज़म को इल्हामी भी करार दिया गया, एक एक शिकवा एक एक शिकायत का इस नज़म में मुदलील जवाब दिया गया है, शिकवे में मुसलमानों की ज़ुबो अली का जिक्र था तो इस नज़म में वो नुस्खे कीमिया मौजूद है जो मुसलमानों के दर्द का दरमा, दर्द का दरमा क्या है, कुरान मजीद, दर्द का दरमा क्या है, हुजूर की तालीमात, तो नमूने हमारे पास हैं, कुरान मजीद भी हैं, आज़र सल्लम की पूरी जिंदगी सामने है, अब वो सामने जैसे क्या है उसको रख के हम अमल पैरा हो जाना चाहिए, बस यही नुस्खा है, नुस्खे कीमिया ये है ना, बहुत से अशार लिखे हैं नुस्खे कीमिया ले आया हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो नुस्खे कीमिया यहाँ मौजूद है जो मुसलमानों के दर्द का दरमा, जो भी दर्द है दुख है आपने जो शिकवे में बयान किया है उस दर्द का दरमा यहाँ पेश कर दिया गया है। ये पेश है कि भाई इस्लाम पे जैसे क्या है आप चलना शुरू कर दो, पंच वक्ता नमाज पढ़ो, इंसानियत की खिदमत करो, देखो भाई हम लोग इबादत तो कर रहे हैं लेकिन खिदमत खल्क ये जज्बा सारा मखूद हो रहा है, हालांकि इस्लाम में उस जमाने में मसाजिद मिल्लत के मसाइल के मराकिज भी थे, आज नमाज पढ़ना चले जाना नमाज पढ़ना चल नहीं, मिल्लत के मसाइल महले के मसाइल है ना, फिर मिल्लत किस जो से क्या है दर्द दुख में है,
आप जानते हैं हजरत उमर की हुकूमत कैसी थी, रात के आलम में जाके जो से क्या है, प्रयाग का जो से क्या है, खबरगिरी करते थे हजरत उमर। तो इस्लाम के अब इस पर गौर कीजिए, क्या हम अमल पा रहे हैं, क्या हम इस्लाम को पूरा आइडियल बना लिए, पूरा उस पर तख्लीक कर रहे हैं क्या? तो ये कमजोरियां, ये कोताहियां का एहसास दिलाते हैं, वे तुम भी तरक्की कर सकते हैं, तुम्हारे दर्द का भी दरमा है, ऐसे वसीले हैं, तुम्हारा दर्द और दुख दूर हो सकता है, बशर्ते के कुरान को गले लगाने, बशर्ते के कुरानियात, इस्लामियात और इस्लामी तहजीब, इस्लामी उसूल पे जो से क्या है आप अमल पैरा हो जाएं, उसको गले लगा ले और इंसानियत की भी खिदमत करें। जो खुलफाए राशिदीन के दौर में, तभी ताबईन के दौर में, हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में समाजी अमल, माशरती अमल भी बहुत ज्यादा था, माशरती समाजी खिदमत भी थी उस दौर में। लेकिन आज हम पंजवक्ता नमाज पढ़ के हमें दावा करेंगे अल्लाह हम तेरी रात दिन इबादत कर रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हम पे इताब नाजिल हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जो है क्या है बर्बरियत दरिंदगी का इजहार हो रहा है, लेकिन तू हमारा तू हमदर्दी नहीं कर रहा है। तो फिर कहते हैं कि बंदा हमेशा अपने आका से आजिज़ी उनके सरे से पेश आता है, यकीनन हम बंदे हैं, वो हमारा खालिक है, रब्बुल आलमीन है, हम उसकी जो क्या है इबादत करते हैं, हम उसकी सना करते हैं। हम क्या करते हैं, झाड़ पहाड़ दरिया जमादात नबातात ये सब जो क्या है उसकी सना कर रहे हैं, सब उसकी इबादत कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं। इंसान मखलूक तो बनाया है, जबान दिया है, अशरफ बनाया है अल्लाह ने। इसलिए एक तखयल इकबाल के यहाँ एक ऐसा जबरदस्त पैदा हुआ कि ये जब नज़म लिखे तो इस तखयल एक ख्वाब में ऐसा हुआ कि फरिश्ते बरम हो गए, ऐसा कह दिए हैं तो ये मखलूक, फरिश्ते बरम हो गए ऐसा कह रहे हैं इकबाल की जबान में, इकबाल ने लिखा ना उसमें शिकवे में। तो बताते ही एक तखयल है, उनका ख्याल है ना, शायरी में तखयल होता है इमेजिनेशन पावर। तो उसमें कुछ ऐसे अशार है वो आगे उसके अंदर शिकवे में, तो फरिश्ता बरम हो गए, देखो तुम्हारी मखलूक ऐसा कर रही है। तो इस तरह से मगर नज्म शिकवे में दुबदू गुफ्तगू करने की गुस्ताखी का मुर्तकिब होना पड़ा है, यही नहीं बल्कि तंज़ो तारीफ से भी काम लिया है, इस पर आसमान के मती भरम हो गए, थोड़ा हल्का सा तंज भी है, तारीफ भी है, इतराज। और मगर जो फरियाद रस है फरियाद सुनता है, आप जितने भी गिले शुभे करिए शिकायत करिए वो समी है, सुनने वाला है, वो देखने वाला है, वो अंतर्यामी है, वो दिलों के भेद भी जानता है, दिल की नीयतों को भी जानता है, वहाँ वो सब कुछ बहुत बोलता है, बंदा बहुत बोलता है, तकलीफ में बोलता है, मुसीबत में बोलता है, ऐसे ऐसे वाकयात भी आंखों से मैंने भी देखे, होता है ये आजमाइश, ये आजमाइश है दुनिया में, टेस्ट टीएसटी टेस्ट। अल्लाह ने पैगंबरों से भी को भी आजमाइश में डाला था, अल्लाह भी मुसीबत में डाल के देखता है ये बंदा मेरा साबित खत्म है नहीं, ये बंदा मेरा है नहीं, हाँ ऐसी आजमाइशें होती है, आजमाइश के पस मंजर में ये दुनिया जो उसका मुसीबत का इजहार कर रही है। तो इस वक्त मुसलमान को राह नजात दिखाता है कि ज़ाहिर है इंसान के सवाल और खुदा के जवाब सब शायर के तखय्युल का करिश्मा है, शायरी में भाई तखय्युल होता है, इमेजिनेशन, ये तखय्युल की मदद से ही वो तमाम चीज़ों को मौजूआत को उनवानात को मुख्तलिफ मौजूआत के पहलुओं को बन के जरिए से छः छः मिसरों के जरिए से जो क्या है एक एक चीज़ बयान करते तर्जुमानी करते अक्कासी करते चले आते हैं इकबाल, और वो अपने ख्यालात खुदावंद ताला की जबान से अदा करते हैं इकबाल कि उनमें वजन वखार पैदा हो जाए और मुसलमान इधर मुतवज्जे हों। जो भी शिकों का मुद्दा यह है कि भाई शायर की फरियाद शिकों में कुछ ऐसी तासीर है कि वो आसमान की बुलंदियों तक जा पहुंचती है, फरिश्तों के इंसान की इबरत वो बेबाकी पसंद नहीं आई। अब ये इंसान इतने बड़े बड़े बातें बोला है अल्लाह मियाँ को, ऐसा ऐसा कहा है अल्लाह मियाँ को मुसीबत में परेशानी में दर्द में, तो फरिश्ते थोड़ा सा कि वहाँ के जो मकीन हैं वहाँ रहने वाले हैं फरिश्ते थोड़ा सा वो बेबाकी इंसान की उनको पसंद नहीं आई। और मगर इस
मगर अल्लाह ताला उसे सुना है और जवाब में फरमाता है कि मुसलमान अपनी जबों हाली के जिम्मेदार आप खुद हैं। मैंने अभी कहा ना, मुसलमान खुद पस्ती के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जमाने का इदराक, जमाने के तकाजे मुसलमान उनको महलूज रखते हुए जिंदगी गुजारना है। अपने अतराफ का शऊर, अपने असर के जो हालात हैं उसका भी शऊर रखना बहुत जरूरी है। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में और कौमें किस अंदाज से तरक्की कर रही हैं, हमें भी तरक्की करना चाहिए। तो आप लगाइए अंदाजा, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद तालीम एतबार से मुसलमान बहुत पीछे हैं, आज भी पीछे हैं मुसलमान। खुद हम, हमारे आबाजदाद हुकूमत थी, सल्तनत थी, सब कुछ था, ये मुस्तबिल का शऊर, मुस्तबिल के प्लान के बनाने से महरूम रहे, वरना आज मुसलमान कौम आगे रहती थी, आज मुसलमान कौम हुकूमत करती थी। तो अल्लाह में अभी यही कहते हैं इकबाल की जबान से, भाई आप खुद अपनी हालत के जिम्मेदार हैं, तुम्हारे बाजू और ताकत से महरूम और दिल हमारी मोहब्बत से खाली। तुम्हारा बाजू कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अरे तुम तो ऐसे हो, निगाहों से दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, मोमिन का, मुसलमान का, इकबाल कहते हैं कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। दुनिया की तकदीर बदलता है मोमिन मुसलमान, लेकिन तुम खुद अपने हालत के तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे बाजू और ताकत से तुम महरूम और दिल हमारे मोहब्बत से खाली है। तुम्हारे बुजुर्ग जरूर बुशिकन थे, यकीनन अल्लाह में इकबाल, अल्लाह में जबान, तुम्हारे बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, बुशिकन थे, बुतों को तोड़ा, मेरी इबादत की, हाँ मेरे महबूब की तालीमात पे अमल करते थे ये लोग, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे बुजुर्ग असलाफ आबा अजदाद। और मगर तुम बुधगर हो, क्या कहते हैं इकबाल, मगर तुम क्या हो, बुधगर, बुध बनाते हो। और अगर तुम आज जिस हरजाई बता रहे हो, कभी यही खुदा तुम्हारा महबूब था, हमारे जो असलाफ थे बहुत अल्लाह को करीब रखते थे, उसमें डूब जाते थे, हर संग में शरार है तेरे जहूर का, हर संग में शरार है तेरे जहूर का, मूसा नहीं के सह करो कोहे तूर का, गाड दिलों में थे उस जमाने में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से खुर्ब उस जमाने के लोग असलाफ हमारे जो थे। और रोजा नमाज, और तुम हो कि रोजे नमाज से जी चुराते हो, खबरों की परस्तिश करते हो, बेशक तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे नाम को सरबुलंद किया, तुम्हारे जो बुजुर्ग थे, अरे मेरे नाम को सरबुलंद किए और खुद तरक्की की और पूरे कायनात पे हुकूमत की, पूरा तस्खीर कायनात मुसफर कर लिया उन्होंने पूरे कायनात को, मगर उनकी खूबियां तुम में मौजूद नहीं। साफ जब एहसास हो उस दौर के मुसलमान को 1913-14 में, अरे हाँ ऐसा है, तो वो शिकवा कि जो तनाजा थे, जो शिकवे की जो आग लगी थी वो ठंडी पड़ गई। अरे बिल्कुल है, हम अपने गिरेबान में झांक के देखो क्या है, हमारे असलाफ क्या थे, हम क्या कर रहे हैं, उसके उसका एहसास दिला है। आज भी 21वीं सदी में देखिए मुसलमान क्या कर रहे हैं, मेरे भाई मसलकों में बटे हुए हैं, मसलकों के तनाजात हो गए, फिर हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हम किधर जा रहे हैं भाई मेरे, खुद इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखिए, हमारी कौम है मुसलमान है, क्या वो बच्चों में इस्लामी तालीमात है, क्या वो बच्चों के इस्लामी उसूल पूरे याद हैं, बताइए आप, आज का दौर 21वीं सदी का दौर देखिए, ऐसा एहतसाब करिए आप, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा क्या अमल हो रहा है इस्लाम में, और इस्लाम के कैसे हम दाई बने हुए हैं। और माशरे में देखते हैं कि बच्चे खासतौर इंग्लिश होने के बच्चों का मैं कभी कभी इंटरव्यू लेता हूँ, कभी बातचीत करता हूँ, तो यहाँ तक कलमा भी नहीं बोलते बच्चे, आज कलमे सुना बाबा बोलते नहीं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं बच्चे
तो मेरे भाई वो बच्चों को भी जैसे क्या है इस्लामी कदरें, इस्लामी शऊर, इस्लामी उसूल बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आखिरत की चीज़ें हैं। और कुरान, फिर हुज़ूर की तालीमात, ये तमाम चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है भाई, वरना पकड़ हमारी होगी, माँ बाप की होगी, बड़ों की होगी, बुजुर्गों की होगी पकड़। तो लिहाजा इन बच्चों को राह रास्त पे लाना बहुत ज़रूरी है भाई मेरे। और मुसलमान से महज जन्नत को वादा किया है, मुसलमान ऐसा करेंगे तो जन्नत मिलेंगे, ऐसा करें तो जन्नत मिलेंगी, अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत मिलेंगे, वादा किया है। जिन कामों की तोहफ़ मुसलमानों से थी, अगर वो काफिर को करेगा तो इनाम इकराम से क्यों नवाजा जाएगा। आज मुसलमान फिरकों और जातों में तकसीम, क्या बात है, आज मुसलमान फिरकों में, जातों में, मसालिक में एक ऐसा गुंजलक मसले पैदा है। मैं सियासत के दूबदू पुराम में जाता हूँ, मैं वो बैरोटा बताता हूँ लड़के लड़कियों का, तो वो मैं क्या बताऊँ मेरी कैसा होगा ये कौम का, वो बात करते हैं लड़के वाले लड़की वाले, तो आपका मसला क्या है, तो आप फातिहा देते हैं, हम फातिहा नहीं देते, अगर भाई ऐसा रहा तो क्या हाल होगा मुसलमानों का भाई मेरे। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, हमारे भी शादियाँ हुए, आपके भी शादियाँ हुए, कभी ऐसा पूछे नहीं कि मसलक के बारे में। आज मैं दुबदू में कमेटी में हूँ, मैं सियासत के अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं ऐसा पूछ के रिश्ता रद्द कर दे रहे हैं। तो आप बताइए कि फिर, हाँ मैं बता रहा हूँ सब फैक्ट है, इट्स फैक्ट, ये तल हकीकत है मुस्लिम माशरे के। हमारे ज़माने में नहीं हुआ, खुद हमारे 1998 मेरी शादी हुई, मेरी कभी हम नहीं पूछे मसलक कि जमात इस्लामी के है, ये तबलीग के है, ये वो है, हम कभी नहीं पूछा। शादी कर दिए, शादी एक मुकद्दस फरीजा है, करना है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। और अब यहाँ यही कहते हैं कि भाई तुम पे उन पे इनाम इकराम। आज मुसलमान फिरकों जातों में तकसीम, जातों में और फिरकों में बटे हैं मुसलमान लोग, कोई सैयद है, कोई मिर्ज़ा है, कोई अफवान है, मुसलमान कोई नहीं, सैयद भी है, अफवान है, फिरके हैं, लेकिन कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा। अल्लामिया कह रहे हैं इकबाल की ज़बान में, तो जाहिर है पहले वो लोग मुसलमान थे, अब मुझे मुसलमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जैसे क्या है, आप गफलत और लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं, और गरीब किसी हद तक हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, गरीब लोग किसी हद तक। देखिए ऐश में याद खुदा ना रहा, लोगों के पास पैसा वैसा आ जाता है साहब, मोटर गाड़ी साहिब हैसियत बन जाते हैं, ऐश और इशरत में डूब जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह से बेनियाज गाफिल होते हैं ये लोग, अमीर लोग, दौलतमंद लोग, मैं कह रहा हूँ आपसे, जिनका पैसा आता है, साहिब हैसियत साहिब निसाब होते हैं, ऐश और इशरत में डूब जाते हैं लोग, ये पैसा फितरी चीज़ है। तो इकबाल वही कहते हैं कि अमीर गरीब लोग फिर भी अल्लाह को याद करते हैं और हमारी तरफ मुजोदे होते हैं वो लोग। गरीब लोग अमीरों को दौलत के नशे ने गुमराह कर दिया, अमीर लोग दौलत के नशे में गुमराह है। तो कहें मस्जिदें नमाजियों से खाली हो गई, मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, और इन्हें सिर्फ बातें बनाने का फन आता है, सिर्फ खौल, बातें करना, बातें करना, बातें, अमल कुछ नहीं। यकीन महकुम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, यकीन महकुम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगी में है ये मर्दों की शमशीर है। अमल 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 सालेहा की तलखीन करते हैं अकबाल, अमल और ये सब दिखावा है, ये नमूद नुमाइश है, ये सिर्फ बातें बताने का फन आता है। मुसलमान सही इस्लामी किरदार, इस्लामी रूल, इस्लामी मिजाज, इस्लामी मंशा, इस्लामी मकसद अपनी ज़िंदगी से जो क्या है दूर किए हुए हैं, और इनके बस की बात नहीं, इसलिए इनके इकबाल का सूरत गुरूब हो गया है, इनकी किस्मत का सितारा गुरूब हो गया है। लिहाजा मुसलमान बन जाओ, इस्लाम पे अमल पैरा हो जाओ, तो माजी में जैसा तुम्हारे असलाफ ने तरक्की की, माजी में तुम्हारे असलाफ ने जिस तरह से जो सके मकाम हासिल किया, वो मकाम तुम्हें आज भी मिलेगा। इंसान को खायल कराने की कोशिश करते हैं इकबाल, दहर से बादल को मिटाया, नोहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया, मेरे काबे को जबीनों से सजाया, मेरे कुरान को सीनों से लगाया, तुम्हारे असलाफ ने लगाया, तुम्हारे आबद तो थे, लगन बहरहाल इकबाल फिर कहते हैं कि भाई वो जो ज़माना है कि वो ज़माने के तहत वो मुसलमान, वो जो मुसलमान थे
वैसे मुसलमान बन जाओ तो तुमको तरक्की हासिल होगी, तुम भी दुनिया के राकिब बनेंगे, तुम भी दुनिया में हुकूमत करेंगे। तो इकबाल का वो शेर है कि थे तो तुम्हारे आबा व अजदाद तुम क्या हो, थे तो तुम्हारे आबा व अजदाद तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, कैसे थे तुम्हारे आबा व अजदाद, कैसे कैसे हुकूमतें किए थे, कैसे कैसे रुबदाब का इजहार किए थे, हमारा आज का है, यार तुम भी वैसे बन जाओ तो यकीन तुम भी जो सके दुनिया के दुनिया पे हुकूमत करने वाले बन जाएंगे। इन्हीं चंद कलमा के साथ मैं सलाम अलैकुम। हजरात एलामिया तो आपके हाथ पे आ गए होंगे जी जी, प्रिंटिंग मशीन खराब होने की वजह से काफी बहरहाल सुना देता हूँ मैं। 30 सितंबर दो रबीउल अव्वल है, जुमा वाज हाफिज़ मुफ्ती और डॉक्टर मोहम्मद महामद हिलाल आज़मी साहब खबर खुतबा, और फिर ये तो एक ऐसे बैनुल अक़वामी शोहरत के आदमी हैं और अल्लाह ताला ने इनको हैदराबाद से ख़ास मुकाम उनका हैदराबाद में रखा। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्ला एक अजीम सीरत निगार, यह जनाब अयाज़ शेख साहब मुखातिब कर रहे हैं 1 अक्टूबर को हफ्ते के दिन बादा साहब कॉन्फ्रेंस हॉल में, तारीख इस्लाम की 973वां लेक्चर है, और फिर पीर के दिन इस्लाम का मतलूब मुसलमान हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ कमाल क़ादरी, आप जानते हैं हाफिज़ साहब जो है बड़ी पाबंदी से वही के इनके लेक्चर से आगाज़ हुआ था हमारा, अल्लाह के फ़ज़ल से वो बराबर जो है पाबंदी से हमें उस वक्त से अब तक मुखातिब करते आए हैं। तो ये इसहाक़ कमाल क़ादरी साहब का लेक्चर बड़ा सुनने का होता है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और उसके बाद जो है मतरूकात इकबाल डॉक्टर रऊफ खैर, ये डॉक्टर रऊफ खैर भी बहुत ही अवार्ड याफ्ता हैं और महफिल इकबाल शनासी के 1000 नंबर 3 इसी मुखातिब करने वाले हैं। मुझे कभी तो है कि आप हजरात इन तमाम महाफिल में शिरकत फरमाएंगे। रबना आता नाफी दुनिया हसना तो फिलाफरत हसना तो फिलार ला सुबह नकमिन, अय अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अय अल्लाह मुसलमानों को उरूज अता फरमा, उनकी सरबुलंदी अता फरमा, आला मुकाम अता फरमा, मुसलमानों पर जो जुल्म ढा रहे हैं अल्लाह उनको नीस को नाबूद कर दे, अल्लाह इस कौम को इस्लाम में चलने की तौफीक अता फरमा, पूरे मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, अपने अखलाक के जो कारनामे हैं जो औसाफ़ है वो औसाफ़ आज के मुसलमानों में पैदा कर। मैं फिर अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह तमाम मुसलमान को सेहतमंद रख और फिर उनको कुरान और इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा होने की तरबियत तरहीब अता फरमा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह।